तीनों सेनाओं की तरफ से एक साझा और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है जो अग्निपथ को लेकर युवाओं के मन में है, देशवासियों के मन में है। और साफ किया गया कि अग्निपथ ही मात्र एक जरिया होगा जिसके जरिए अब सेनाओं में एंट्री मिलेगी, चाहे इससे पहले इसने किसी ने भी सेना में भर्ती की परीक्षा की कोई प्रक्रिया पास कर रखी हो वो सब रद्द होगा और अग्निपथ से गुजर कर ही अब सेना में एंट्री मिलेगी। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि ये वक्त की जरूरत है, सेना में हमें यंग लोग चाहिए, हमें जवान लोग चाहिए, हमने पिछले कुछ अनुभवों से सीखा है कि कैजुअल्टी ज्यादा है जिनकी उम्र ज्यादा है और हमें इस मॉडर्न वॉरफेयर में टेक से भी लोग चाहिए। बहुत तरह की बातें कही गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको वो सब बताएंगे। लेकिन तीनों सेनाओं में अग्निपथ के जरिए एंट्री मिलेगी, ये बहुत बड़ा बयान आपको सुनाते हैं। अगले 4 से 5 साल में हमारी इंटेक 50,000 से 60,000 होगी, इसको ब्लैंक कर दें, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इंटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम। क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे। सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हूं। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना? नो, ओनली थ्रू अग्निवीर आशीष, नो चेंज, विल बी नो चेंज। थैंक यू आशीष। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के जरिए भर्ती मिलेगी और कोई जरिया नहीं होगा, कोई और तरीका नहीं होगा, ये सेना ने साफ कर दिया है। TV9 भारतवर्ष ने इसको लेकर सवाल पूछा जिसके बाद सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया गया, सेना में पहले जैसी रेगुलर भर्ती नहीं होगी, सिर्फ अग्निपथ के जरिए ही भर्तियां होंगी। यानी जो लोग कह रहे थे कि हमने मेडिकल एग्जाम पास कर लिया है, हमने सेना की भर्ती के इस रैली में जाकर ये एग्जाम पास कर लिया है, फिजिकल पास कर लिया है, हम फिर से क्यों दें, उसको लेकर एक बहुत बड़ा तर्क सेना की तरफ से रखा गया है और कहा गया है कि पिछले बीते 2 साल में कोविड की वजह से लोगों की फिटनेस हैम्पर हुई है, लोगों की फिटनेस पर फर्क पड़ा है और सेना में हमें केवल और केवल फिट लोग चाहिए। इसी वजह से हम एक बार फिर से अग्निपथ के जरिए जो लोग पिछले बार कुछ प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं उनको फिर से आना होगा। और उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने ये 2 साल की सीमा बढ़ाई है पहले बैच में, ताकि जो लोग 21 साल के से ऊपर हो चुके हैं, 23 साल तक हैं, वो आए, अपनी फिटनेस साबित करें, इस भर्ती प्रक्रिया से गुजरें और फिर अगर वो इस लायक होंगे तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर लोगों के मन में, खासकर युवाओं के मन में जो भ्रम था उसको लेकर अब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनाओं की तरफ से सब कुछ क्लियर करने की, साफ करने की एक बड़ी कोशिश की गई। कि आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे, एक इनिमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे, यू नो, उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गाँव से, अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहाँ कहाँ से लोन ले के यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है, ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफ़ी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं, इसका हम कर रहे क्या हैं? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा
प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो छिलका, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते छिलका। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से या जो भी इधर उधर यू नो घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। देखिए यहां पर साफ कहते हुए कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है, जो लोग बच्चों को उकसा रहे थे, बिहार के या देश के कुछ कोचिंग संस्थानों पर बड़े सवाल उठे हैं, उनके ऊपर सेना ने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या उन्होंने उकसाया। और इसके अलावा ये कहा गया कि जो लोग उकसावे में आकर तोड़फोड़ में शामिल थे, अगर उन पर पुलिस कार्रवाई होती है तो फिर सेना में एंट्री का उनका रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई होगी, क्योंकि सेना में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के एंट्री नहीं होगी, और अगर पुलिस कार्रवाई में वो फंसते हैं, पुलिस कार्रवाई उन पर होती है, उन पर कोई FIR होती है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा जाता है, तो फिर सेना में एंट्री का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, उकसावे में ना आइए। किसी प्रदर्शन में शामिल ना होने का सर्टिफिकेट तक आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको सेना में एंट्री मिलेगी। यानी जिस चीज से लड़ने के लिए, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उसी चीज से दूर हो रहे हैं उसकी वजह से।